दिस इज एक्सेस एमएस एक्सेस डेटाबेस। अब हम इनको देखेंगे कि हम इसके थ्रू लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर किस प्रकार से बना पाए। नॉर्मली हम लोग BLS में जब बनाते हैं या डिजाइन करते हैं तो बहुत सिंपल तरीके से करते हैं। MLS में थोड़ा सा इनर व्यू ज्यादा देखेंगे और ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी लाइब्रेरी में जितने जो भी लाइब्रेरी में जाओ आप और इंटरव्यू दो और उनको आप कहे कि आई नो द क्रिएशन ऑफ डेटाबेस एंड नथिंग टू बी वरीड, आई कैन क्रिएट अ लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर फॉर यू। ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसमें अपने टैगिंग भी कर पाओगे, मार्क भी इंक्लूड कर पाओगे और फीचर्स रह गए, बट आपको हर रोज एक्सप्लोर करना है। ये एक विशाल फीचर्स समेत एक डेटाबेस है, तो आपको एक्सप्लोर करना है और हर एक की सोल्यूशन है। आपका चिंतन जैसे जिस प्रकार से जाएगा इस डेटाबेस के साथ, आप बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलता रहेगा। सबसे बड़ी फायदा ये है, आप जब इस डेटाबेस को ओपन करेंगे, ये डेटाबेस नॉर्मली एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर के साथ आ जाते हैं जब आप खरीदते हैं, और अगर नहीं आते हैं तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इट कैन बी मैनेज्ड वेरी वेल। तो पहला है होम। होम में हमारे पास ये सारे फीचर्स हैं, जैसे नॉर्मल एक एमएस वर्ड या एक्सेल के अंदर फीचर्स रहते हैं, ऐसे जैसे व्यूज, क्लिपबोर्ड, शॉर्ट फिल्टर, रिकॉर्ड, फाइल, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। उसके बाद इमीडिएटली आ जाते हैं क्रिएट, यहां से आपका काम शुरू होता है। ये एप्लीकेशन पार्ट है जहां डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन ऑलरेडी है, मैसेज बॉक्स आप यहां से क्रिएट कर सकते हो या ले सकते हो, तो ये आपको हेल्प करेंगे डिफरेंट एप्लीकेशन देखने के लिए। देन यहां से होता है एक्चुअली आपका काम शुरू, टेबल्स, फिर आते हैं क्वेरीज, फिर फॉर्म, फिर रिपोर्ट, फिर मैक्रो, फिर मॉड्यूल, फिर क्लास मॉड्यूल, विजुअल बेसिक। ये भी आप कर सकते हो, मैक्रो तक तो कर ही सकते। तो इनका काम क्या है एक एक बार देख लेते हैं। टेबल का काम है बेसिक स्ट्रक्चर बनाना, जैसे एक बुक का बुक टेबल बनाना है, तो बुक का जितना एलिमेंट्स है, इंफॉर्मेशन है, जैसे हम टोटल कैटलॉग करते हैं, सारे फील्ड्स हम इस पर्टिकुलर टेबल में लेंगे, बोरोवर्स का लेंगे, लोन का लेंगे, साथ साथ और जो कुछ रिलेटेड टेबल्स है वो भी हम लेंगे। जैसे आप लोग सोल सॉफ्टवेयर में ये देख रहे थे कि वेंडर्स को पहले कर दिया जा रहा था, बुक सप्लायर्स को पहले कर दिया जा रहा था, पब्लिशर्स को पहले डाल दिया जा रहा था, यूरो को कन्वर्सन रेट को पहले डाल दिया जाता है। ये और कुछ नहीं, वो आपकी डेटाबेस में आप पहले से अथॉरिटी कंट्रोल कर रहे हो कि दीज आर द लिस्ट, ताकि आपका दोबारा करने की जरूरत नहीं है। आप कई दफा टाइटल भी पहले डाल रहे थे, बाद में प्रोसेस कर रहे थे, तो ये भी इस प्रकार से भी आप काम कर सकते हैं इसके अंदर। ये सिर्फ लाइब्रेरी में बुक इश्यू रिटर्न के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, हम लोग इनके ऊपर डेटाबेस जो बनाए थे वो CD-ROM और वीडियो कैसेट इशू रिटर्न के ऊपर बनाए थे, उसके बाद कंप्यूटर इशू रिटर्न के ऊपर बनाए थे, उसके बाद हमने वेब लिंक के ऊपर बनाए थे, ऑनलाइन डेटाबेसेस के ऊपर, हाँ, जो आपका वन ऑफ द फाइनेस्ट सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ई रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है, वो भी जो सबसे सबसे ज्यादा पॉपुलर ई रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है वो इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के साथ ही, डेटाबेस के साथ ही बनाया गया था और वर्ल्ड में काफी जगह अभी भी चल रहा है। तो ये इनका है फीचर्स और हम क्या कर सकते हैं। हम यहाँ पहले देख लेते हैं टेबल के ऊपर एक क्लिक कर, ये टेबल आ, तो टेबल टू, पहले टेबल वन को हम पहले से आ गए थे तो हम डिलीट कर,
ये टेबल वन का फॉर्म हमने क्रिएट किया था, डिलीट कर देते हैं इसकी जो। अब टेबल टू, अब टेबल में क्लिक करते ही टेबल टू आ गए थे, तो हम टेबल टू को राइट सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फिर डिजाइन व्यू में जाएंगे, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, हम पहले क्रिएट में आए थे, टेबल को क्लिक किए, जो भी टेबल आए, मान के चलो आप पहली बार जब करोगे तो आप जब भी टेबल में क्लिक करोगे तो टेबल वन आएगा, राइट। तो टेबल वन को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, डिजाइन व्यू में जाएंगे और टेबल का नाम दे देंगे बुक टेबल, ओके। बुक टेबल आते ही ये तुरंत ऑटो आईडी नंबर ले लेंगे, आईडी ऑटो नंबर, ये नहीं करना है, ये इन सब इसको पूरा डिलीट करना है, राइट करके डिलीट रो, सिंपल से डिलीट रो। फिर आते हैं यहां से, बुक्स का पहला जो इंपॉर्टेंट की है वो है एक्सेशन नंबर, और इन एक्सेशन नंबर हम क्या करेंगे, नंबर डालेंगे, डेटा टाइप जो है वो नंबर ले लेंगे, ठीक है। नंबर लेंगे क्योंकि एक्सेशन नंबर की नंबर आप इनको, जैसे आप लोग, आपका मन में क्वेश्चन ये हो सकता है, सर हम तो एक्सेशन नंबर सोल में या और भी डेटाबेसेस में टेक्स्ट बुक के लिए टी लेते हैं, जनरल बुक्स के लिए जी लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल नंबर डालते हैं, वो भी पॉसिबल है, उस समय आपको टेक्स्ट लेना है तभी काम होगा। तो फिलहाल हम नंबर लेते हैं, तो नंबरिंग ये हो गया, और नीचे आ जाइएगा तुरंत, क्योंकि ये फीचर पार्ट है, इस पार्ट में लॉन्ग इंटीजर फॉर्मेट, नंबर की फॉर्मेट क्या होगा, डेसिमल प्लेसेस कैसे होंगे, तो ये सारी चीज हमें नहीं चाहिए, हमें तो जनरल एक नंबर चाहिए, 1 2 3 4 जैसे एक एक्सेशन नंबर होती है। फिर आ जाते हैं यहाँ बुक आइकन, बुक टाइटल देते ही यहाँ टेक्स्ट लेंगे, टेक्स्ट लेने के बाद फील्ड साइज यहाँ पे आएंगे, तुरंत नीचे आएंगे, आने के बाद यहाँ लिखेंगे मैक्सिमम आप 100 लो, फॉर्मेट देने की जरूरत नहीं है, इनपुट मास्क भी देने की जरूरत नहीं है, कैप्शन देने की, बाकी चीज देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये कहना है इंडेक्स, यहाँ इंडेक्स में आएंगे और इंडेक्स को आप बोलेंगे यस, नो डुप्लीकेट, ना ओके डुप्लीकेट, क्योंकि एक टाइटल कई बार आ सकता है, लेकिन आप कॉल यहां पे आएंगे इंडेक्स, सॉरी ये इंडेक्स, इंडेक्स में यस इंडेक्स, यस नो डुप्लीकेट, सो एक्सेस नंबर कभी डुप्लीकेट नहीं होगा, टाइटल डुप्लीकेट हो सकता है इन ए डिफरेंट एक्सेशन नंबर, बट एक्सेशन नंबर कैन नॉट डुप्लीकेट। तो टेक्स्ट में आए और हम यस ओके डुप्लीकेट, इंडेक्स नहीं करोगे तो आपका डेटाबेस सर्च नहीं होगा। फिर हम यहाँ ऑथर, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट देते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग आप चीज बना सकते हैं, यहाँ पे आप लुकअप विजार्ड बना सकते, लेकिन लुकअप विजार्ड बनाने से पहले आपको छोटी छोटी टेबल बनानी पड़ेगी। लुकअप विजार्ड बने, जब आप फॉर्म क्रिएट करोगे या टेबल क्रिएट करोगे तो आपको ड्रॉप डाउन मेनू मिलते जाएगा। एग्जाम्पल पे आपको मैं बताऊं, जैसे आप आपका कंट्री नेम डालते हो तो कोई भी फॉर्म में, तो वहां पे इमीडिएटली, या आप जेंडर डालते हो, मेल फीमेल आते हैं, तो आप क्लिक करते हो तो नीचे मेल फीमेल आ जाते हैं, या कंट्री नेम में क्लिक करते हो तो नीचे सारे कंट्री के नाम आ जाते हैं,
उनको कहते हैं लुकअप फाइल, ये जो लुकअप विजर्ड, तो ये दूसरे टेबल के साथ कनेक्ट होते हैं। ये फीचर्स आप इसके अंदर ऑथर के अंदर लगा सकते हो, लेकिन दिक्कत ये है कि लुकअप विजर्ड करने से पहले आपको एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट, और ये पूछेंगे कौन सी टेबल। तो इस वजह से अभी क्या करते हैं, फिलहाल कैंसिल करते हैं इसको और हम एक टेबल बनाते हैं, दो तीन टेबल बना लेते हैं पहले। क्रिएट क्रिएट टेबल, और इस टेबल का नाम देंगे हम ये ऑटो आईडी ले लो, और इस टेबल का नाम दे देते हैं, बाद में सेव करते हैं, और यहाँ पे देते हैं नाम देते हैं, ऑथर नेम देते हैं रॉय। सॉरी, इसको ऐसे करते हैं, अभी फिल नहीं डालते हैं, फिल नहीं डालते, जस्ट डिलीट इट, डिलीट रिकॉर्ड। यस, हम क्या करेंगे, ये जो न्यू टेबल बना है इसको डिजाइन कर लेते, इनका नाम देते हैं ऑथर कंट्रोल, राइट। ऑथर कंट्रोल में नेम, और चलो इसको ओके ऑथर नेम लिखो, नहीं स्ट्रिप नेम नहीं देना है यहाँ पे, ऑथर नेम, और ऑटो नंबर का कोई दिक्कत नहीं, इसमें टेक्स्ट दो बस, और कुछ नहीं करना है। इसको और कॉम्प्लेक्स कर सकते हो, थर्ड नेम ये अलग डाल सकते हो, फिलहाल एक काम करते हैं तो यस ऑथर कंट्रोल। अब आप यहाँ आ गए सर, फिर ऑथर में बुक टेबल में आए, जब आप यहाँ से लुकअप उजर्ड करेंगे तो आपको वो कहेंगे कि दूसरा टेबल किसके साथ रिलेट करना है। तो यहाँ पे देखिए ऑथर कंट्रोल आ गया है, आप नेक्स्ट कीजिए और ऑथर नेम को ले लीजिए, इसको बैक कीजिए, सिर्फ ऑथर नेम को ले लीजिए, नेक्स्ट। ये हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में आएंगे हैं, क्लिक करके ऑथर नेम को क्लिक कीजिए, नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए, और फिनिश कर दीजिए। यस, कह रहे हैं कि रिलेशनशिप से पहले आप जरूर सेव कीजिएगा, तो हम जरूर करेंगे, तो रिलेशनशिप वो बन गया इन दोनों के साथ। फिर आते थे ऑथर हो गया, पब्लिशर, पब्लिशर में हम टेक्स्ट देंगे, इनको भी हम एक पब्लिशर टेबल बना देंगे, नेम ऑफ द पब्लिशर, राइट। तो हम क्या करेंगे, क्रिएट में जाएंगे, टेबल में क्लिक करेंगे, ये टेबल वन आया, सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, डिजाइन व्यू में जाएंगे, इनका नाम देंगे पब्लिशर कंट्रोल, ऑटो नंबर रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं हमें, नेम ऑफ द पब्लिशर, बस टेक्स्ट में ये 255 हमेशा ज्यादा हो जाता है, 100 ले लीजिए, 100 कैरेक्टर दैट इज सफिशिएंट, और इनको भी इंडेक्स कर सकते हैं आप, और ज्यादा कुछ ना करें, फिर इसको बंद कर दीजिए, बंद कर। बंद करने के बाद आप पब्लिशर्स में आए और इनको बोलिए लुकअप विजार्ड, नेक्स्ट कीजिए, पब्लिशर कंट्रोल को ले लीजिए, यहाँ देखिए टेबल पे क्लिक्ड है, ये क्वेरीज के साथ भी आ सकते हैं, फिलहाल हम टेबल के साथ ही। फिर यहाँ से सिर्फ नेम ऑफ द पब्लिशर को चूज कीजिए जो वहां हमें दिखाएगा, और ये यहाँ से नेम ऑफ द पब्लिशर असेंडिंग ऑर्डर में आएंगे, नेक्स्ट, जस्ट फिनिश,
ओके रिलेशंस फिर आते हैं प्लेस। प्लेस में भी आप ऐसे कर सकते हैं, आप क्रिएट में जाएं, टेबल क्रिएट कीजिए और डिजाइन भी में जाएं और प्लेस कंट्रोल ओके डिजाइन में आइए। नेम ऑफ द और टेक्स्ट लीजिए और यहाँ 100 ले लीजिए, 100 ज्यादा हो जाएगा आप 50 ले लीजिए। बहुत है और एक सेव कर और सेव करोगे तो ये डू यू वॉन्ट टू सेव चेंजेस यस ये हो प्लेस कंट्रोल। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे, लुकअप ऑब्जर्व करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, प्लेस कंट्रोल को लेंगे, नेक्स्ट करेंगे, ये करेंगे, इधर की तरफ लेंगे, नेक्स्ट करेंगे, इनको असेंडिंग ऑर्डर में ले लेंगे और नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और फिनिश करेंगे। द टेबल मास्टर बिफोर रिलेशनशिप कैन बी क्रिएटेड सेव नाउ। तो बार बार आप यस कीजिएगा, नहीं तो वो रिलेट नहीं करेगा इस टेबल के साथ। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। प्लेस हो गया, पब्लिशर प्लेस, देन ईयर, ईयर को हम इंटीजर, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ईयर लिखने से नहीं होगा, आप ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखिएगा तो प्रोग्रामिंग में आसानी रहेगा। आप इनको डेट एंड टाइम कर दीजिए या सिंपल नंबर्स रख सकते हैं। फिर आप आ जाते हैं बुक सीरीज, सीरीज ऑफ द बुक, ये टेक्स रखिए और यहाँ पे 100 कर दीजिए, बहुत ज्यादा 100 सीरीज के लिए। और आप अगर इनके लिए लुकअप विजार्ड बनाना चाहते हैं तो फिर क्रिएट में जाइए, टेबल को क्रिएट कीजिए और इनको कहिए डिजाइन व्यू और इनको देखिए सीरीज कंट्रोल। ओके कर दीजिए और यहाँ ऑटो नंबर रखिए, कोई दिक्कत नहीं है आईडी को, और यहाँ पे नेम ऑफ द सीरीज और यहाँ पे टेक्स्ट भी, टेक्स्ट में 100 दे दीजिए, बहुत ज्यादा है। फील्ड साइज इंडेक्स आप कर सकते हैं इसको, हालांकि अच्छा है। फिलहाल क्या करते हैं, यहाँ इंडेक्स ना करके हम इसको सेव करते हैं। सेव करें, हमने ऑथर को नंबर क्यों दिया, ये तो लुकअप यूजर था। ये तो लुकअप यूजर था, चेंज द डेट ओके ठीक है। और सीरीज में फिर लुकअप यूजर करते हैं और हम नेक्स्ट पे जाते हैं और हम यहाँ से लेते हैं सीरीज कंट्रोल, नेक्स्ट करते हैं, फील्ड सिलेक्ट करें इसको नहीं, नीचे फिर नेक्स्ट कीजिए, फिर यहाँ से आप नेम ऑफ द सीरीज ले लीजिए, नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए और फिनिश कर दीजिए। ये नंबर इस वजह से आ रहा है क्योंकि हम उस टेबल से उठाएंगे जब डेटा हम डालें। तो ये हो गया सीरीज। फिर कॉल नंबर, आप इनके लिए बहुत अच्छा टेक्स रखिए या लुकअप यूजर रखिए। कॉल नंबर ऑथोरिटेटिव करने से फायदा ये होगा कि आपको जो भी कॉल नंबर है आप डाल सकते हैं। यहाँ पे हम लुकअप यूजर करने से पहले हम एक काम करते हैं, कॉल नंबर के लिए एक अच्छा टेबल बना लेते हैं, क्रिएट टेबल और यहाँ पे हम डालते हैं
आप पहले से डाल के रख सकते हो, इसको डिजाइन व्यू कर सकते हैं। डिजाइन व्यू कॉल नंबर ओके, और यहाँ पे दे दीजिए सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में टिक्स रखिए, मैक्सिमम 50 दे दीजिए कॉल नंबर। तो जो भी कॉल नंबर आप डालोगे पहले से टिक्स रखिएगा, ये भी आप सॉरी 50 दे दीजिए, मैक्सिमम कॉल नंबर 50 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, वो भी ज़्यादा ही बोल रहा हूँ मैं, आप 20 दे दीजिए और इसको सेव कर दीजिए। यस, कॉल नंबर। अब कॉल नंबर जब हम लुकअप विजिट करेंगे तो नेक्स्ट करेंगे, कॉल नंबर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, सिर्फ हम कॉल नंबर को सिलेक्ट करेंगे इस तरह से, नेक्स्ट करेंगे, कॉल नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और फिनिश करेंगे। यस, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सब्जेक्ट में आप इसका भी एक सब्जेक्ट कंट्रोल बना दीजिए। तो आपके क्रिएट में जाइए, टेबल में जाइए और टेबल को डिजाइन व्यू में लाइए और यहाँ पे सब्जेक्ट कंट्रोल लिखिए। ओके, आईडी नंबर दे दीजिए और सब्जेक्ट हेडिंग, आप पहले से इसके अंदर पेयर लिस्ट की सब्जेक्ट हेडिंग डाल सकते हैं। तो फायदा ये होगा जब भी आपका कोई रिलेटेड बुक आते हैं आप वो ही सिलेक्ट करके बार बार टाइप करने जो होते हैं। 100 डाल दीजिए, मैं बहुत ज्यादा है, अभी हम मैक्सिमम 30 वर्ड रखे तो अच्छा, सब्जेक्ट अगर बड़ा हो जाए, और इसको आप सेव कर दें और इनको आप सब्जेक्ट में आके फिर लुकअप विजार्ड कीजिए, नेक्स्ट कीजिए, सब्जेक्ट कंट्रोल को ले लीजिए, नेक्स्ट कीजिए, फिर सब्जेक्ट हेडिंग को ले लीजिए, नेक्स्ट कीजिए, असेंडिंग ऑर्डर में नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए, फिनिश कर दीजिए। ओके, तो ये सारे चीज हो गया सीरीज, सीरीज नंबर कभी कभी आते हैं तो आप नंबर में डाल दीजिए, इसमें लुकअप उजर करने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट हेडिंग आ गया, सर हो गया, प्राइस, प्राइस के लिए नंबर डाल दीजिए आप, या करेंसी में भी कर सकते हैं आप। यहाँ देखिए करेंसी, करेंसी में फॉर्मेट क्या होना चाहिए, आप यहाँ क्लिक करें और ये देखिए रुपीस का वो है, तो रुपीस का साइन आप ले सकते हैं, इंडियन रुपीस का साइन है, आप इनको क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिकली करेंसी आ जाएगी। प्राइस हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हेडिंग हो गया, और क्या बचा है, कोई कॉर्पोरेट ऑथर हो सकता है, वो भी आप ऑथर में लिखें, आप इसके अंदर और भी डाल सकते हैं, सब्जेक्ट हेडिंग हो गया, नंबर, कोई एडिटर अगर है तो एडिटर के लिए, एडिटर ऑफ द बुक, वो पहले अगर इस तरीके से मान के चलो हमें एडिटर डालना था और हमने भूल गए तो हमें यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, इसको डिलीट कर दीजिए। आप ऑथर के नीचे आइए, पब्लिशर को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और इंसर्ट रो कहिए, तो इसके ऊपर रो हो जाएगा और एडिटर की नाम टेक्स्ट में दीजिए और यहाँ पे मैक्सिमम 100 दे दीजिए और इनको कहिए कि इंडेक्स जरूर कीजिएगा और ओके डुप्लीकेट, बट इंडेक्स होना चाहिए। यहाँ पब्लिशर्स को भी आप इंडेक्स, हर एक को इंडेक्स करना है, ओके डुप्लीकेट, हर एक को इंडेक्स करना है, इंडेक्स नहीं करेंगे तो ये डेटाबेस कभी सर्च नहीं होगा, ये याद रखिएगा, इसी वजह से बड़े बड़े डेटाबेस कभी कभी
मार खा जाते थे। ओके सब ओके, डुप्लीकेट एक्सेप्ट एक्सेशन नंबर में इंडेक्स नो डुप्लीकेट करना है। और कभी कभी आप ये कर सकते हैं कि जैसे एक्सेशन नंबर में आप करें रिक्वायर्ड नो, नो नहीं यस, अगर ये नहीं डालोगे तो बुक का नहीं डाल पाओगे। टाइटल हो सकता, टाइटल बुक टाइटल भी रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड यस, ये नहीं यस कर दीजिए तो इसमें डेटा 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 मतलब विदाउट इनपुटिंग डेटा यू कैन नॉट गो एनीवेयर, राइट। बिना डेटा डाले आप कहीं जा नहीं सकते, मतलब नेक्स्ट ऑप्शन में आ नहीं सकते, तो दैट कैन बी पॉसिबल। हियर एडिटर्स आ गया है, कभी कभी सीरीज एडिटर्स होते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप इंसर्ट कॉलम कीजिए और ऐसी आ रहा है सीरीज एडिटर लिखिए, और ये तो टेक्स्ट कहिए, और टेक्स्ट में सर आप यहाँ मैक्सिमम 100 दे दीजिए। ये मैं क्यों 100 200 इस वजह से ले रहा हूँ कि जब भी आप डेटाबेस बनाओगे तो डेटाबेस में आप अगर 255 कैरेक्टर ही यहाँ जो फील्ड साइज आ रहा है वो अगर लेते रहते हो तो आपकी डेटाबेस में उतना जगह वो ऑक्यूपाइड करके रखेगा, चाहे डेटा हो चाहे ना हो, तो इस वजह से आपका डेटाबेस काफी बड़ा हो जाता है। तो उनको कंसाइज करने के लिए आपको पहले से डिटरमाइन करना पड़ेगा, मुझे डेटाबेस किसी हालत में बहुत बड़ा नहीं होने देना है, माने हम जितना रिक्वायरमेंट है मेरा उसके हिसाब से हम डेटा डालेंगे। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट में सीरीज एडिटर आए हैं, मैक्सिमम 100 ले लेते हैं, 100 कैरेक्टर से ज्यादा नाम शायद नहीं होता है, और इनको आप इंडेक्स तो जरूर कहिएगा, चाहे आप रिक्वायर्ड करें या ना करें तो अच्छा है। इंडेक्स डुप्लीकेट कॉल नंबर रिक्वायर्ड, ओके डुप्लीकेट हो गया, ये भी इंडेक्स कहाँ है हम लोग, सीरीज नंबर में इंडेक्स जरूरत नहीं है। कभी कभी क्या होता है, कभी लाइब्रेरी में भाई वो बुक का दाम 175 रुपया थे, कौन सी किताब है, तो प्राइसिंग सर्च के लिए आपको इंडेक्स करना जरूरी है। तो आप यहाँ आएंगे और ओके डुप्लीकेट करेंगे क्योंकि एक ही प्राइस में कहीं सर, ये बन गया सर आपका एक छोटा मोटा सा सबसे छोटा टेबल बना है, मतलब बुक टेबल। अभी तक हमने बहुत सिंपल एक टेबल बनाया, ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ही नहीं इसके अंदर, हमने बुक का सारे डिटेल्स ऑलमोस्ट लगाया है, एडिटर आ गया, ईयर ऑफ पब्लिकेशन आ गया, सीरीज आ गया, सीरीज एडिटर कॉल नंबर सर्टिफिकेटिंग ISBN नंबर, ISBN नंबर, ये एक नंबर होगा, तो नंबर में करिए और इंडेक्स जरूर कीजिएगा, नो डुप्लीकेट। हालांकि नो डुप्लीकेट दो तो अच्छा है क्योंकि ISBN कभी एक नहीं हो सकता। नाउ ISBN नंबर हो गया, करीब करीब ऑलमोस्ट फिनिश हो गया, जब आपका ये फिनिश हो जाएगा तो आप इनको सेव कर दीजिएगा, बुक टेबल आपका सेव हो चुका है। ये हो गया बुक टेबल। फिर नेक्स्ट पे हम अब इस पर्टिकुलर फॉर्म मतलब बुक का, बुक जो टेबल आपने बनाया बुक टेबल, इसका फॉर्म बनाते हैं तभी आप लोगों को एक्चुअली पता लगे, तो क्रिएट करते हैं और फॉर्म उजर्ड में जाते हैं, फॉर्म बना रहे हैं बेटे, तो हम पहले क्या करेंगे क्रिएट में जाएंगे और फॉर्म ऑप्शन में आएंगे, फॉर्म फॉर्म उजर्ड में आएंगे, क्लिक करें, इसको नहीं लेना है कैंसिल करें, हम बुक टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे और फॉर्म उजर्ड में जाएंगे। यहाँ देखिए ऑलरेडी बुक सिलेक्ट हो रखा है, अगर ऐसा नहीं है बाय चांस कहीं से भी आ जाता है, मान के चलो अभी अभी क्या हुआ था, अभी कर्सर यहाँ था और मैंने फॉर्म उजर्ड किया, उसमें घबराने की जरूरत नहीं, आपके पास यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट है, आप यहाँ क्लिक करें और यहाँ से बुक टेबल को ले लीजिए। देखिए बुक टेबल की सारे रिकॉर्ड्स आपके पास आ गए, आप क्या करोगे सबको इस तरफ कर, जिन जिन सभी फील्ड को लेना है फिर नेक्स्ट करें, फिर नेक्स्ट करें, फिर फिनिश करें,
आपका काम हो गया, ये बन गया बुकलेट। अब ना मुझे ये शक्ल पसंद नहीं है जैसे दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं राइट क्लिक करूंगा, डिजाइन व्यू करूंगा, और यहां मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया, ये कर दिया, और फॉन्ट कलर सारे चेंज कर दिया, या चलो ये ब्लैक नहीं दूंगा और कुछ देता हूँ, ब्लू देता हूँ, और इन लोगों का कलर हमने यहाँ जाके ये जो फोर कलर है, या फॉन्ट वेट, या फोर कलर को भी फॉन्ट साइज है, फॉन्ट नेम है, आप फोर कलर को भी चेंज कर सकते हो, या तो ये आप इकट्ठे सबको सिलेक्ट करके कंट्रोल दबा के आप इकट्ठे सभी का कलर इकट्ठे चेंज कर सकते हो। फोर कलर में क्लिक करो, व्हाइट कर, सब देखो व्हाइट आ गया, हो गए। ये तो पहला काम हुआ जी। अब हम इसको सेव कर लेते हैं, ये है बुक टेबल आपका बना, काम खत्म नहीं हुआ। फिर राइट क्लिक कीजिए, फिर डिजाइन व्यू में जाइए, और इनको जरा नीचे कर दीजिए, और इस बुक को थोड़ा ऊपर खिसका दीजिए, और ये बुक टेबल को जरा मिडिल में लाइए इस जगह, राइट। और इस बुक का नाम दे दीजिए, बुक एंट्री, बुक एंट्री, बस। और इनका कलर जरा चेंज कर देते हैं जी, ये पकड़ते हैं, और यहां से होगा फॉन्ट साइज, और यहाँ होगा आपका कलर, और इनका कलर हम कर देते हैं इसके साथ, ये वाला कलर अच्छा लगे तो अच्छी बात है। और मान के चलो फॉन्ट, ये टेक्स्ट मुझे अच्छा नहीं है, तो फॉन्ट जो साइज होगा ये थोड़ा बढ़ा सकते हैं, हम इनको 30 कर देते हैं, बुक एंट्री, तो इनको थोड़ा अब बढ़ा दीजिए, बुक एंट्री बढ़ा दीजिए। और एक काम करना है, ये फॉन्ट मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रहा है, तो ये फॉन्ट को भी चेंज करना है, फॉन्ट वेट, फॉन्ट अंडरलाइन, फॉन्ट इटालिक, फॉन्ट कलर, अब यही तो जगह होगा जहां से हम फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। सर फॉन्ट साइज के ऊपर ही है फॉन्ट नेम। फॉन्ट नेम करेक्ट यहाँ है, यहाँ से हम टाइम्स न्यू कर लेते हैं, है ना, तो हम टी में जाएंगे, टाइम्स, ये थोड़ा अच्छा, तो काम हो गया जी। अब आप एक जो इम्पोर्टेंट काम है, बटन बनाना, तो आप यहाँ जो 4x अल्फाबेट के पास है ये जो है, और उसके ऊपर कर्सर रखते ही देखिए बटन लिख के आ रहा, आप क्लिक करोगे और यहाँ करोगे, ये एक बटन बनी, ओ गॉड, अच्छा चलो आ तो रहा है, आई डू नॉट नो हाउ इट विल वर्क नाउ, रिकॉर्ड नेविगेशन, ओके, नेक्स्ट रिकॉर्ड, ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट। तो जब भी आप ये दबाओगे नेक्स्ट रिकॉर्ड जाएगा, लेकिन स्टूडेंट मेरे इस कंप्यूटर में फिलहाल ये कितना काम करेगा डाउट, क्योंकि कुछ ऑप्शंस आ रहा है जो नहीं आना चाहिए है। आपके कंप्यूटर में अगर ये डाउनलोड, मेरे पास दूसरे कंप्यूटर में ये बढ़िया चलता है, दिखा देंगे, अगर नहीं चले तो उसमें भी इसको ओपन करके करेंगे हम, इनका की कोई बात नहीं है, हम
रिकॉर्ड रिकॉर्ड नेविगेशन में जाएंगे, हम नेक्स्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब प्रीवियस रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट में PREVIOES, प्रीवियस PORD, प्रीवियस रिकॉर्ड, बेस्ट रिकॉर्ड हो गया जी। फिर क्लिक करो यहाँ, तब आप फिर ये आ रहा है एक्सप्रेशन में, थोड़ा कहीं प्रोग्रामिंग में गड़बड़ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइन रिकॉर्ड, कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड को आप फाइन करना चाहते हो तो नेक्स्ट करोगे और यहाँ लिखो जी फाइन रिकॉर्ड। अगर आप बाइनोकुलर फाइन पिक्चर्स अगर आप देना चाहते हो तो यहाँ से पॉसिबल है, बट यहाँ हम फाइन रिकॉर्ड करेंगे और नेक्स्ट करेंगे, फिनिश करेंगे। फिर आते हैं, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओके आप रिकॉर्ड ऑपरेशन में जाते हैं। पहले हम रिकॉर्ड नेविगेशन पे थे, नाउ रिकॉर्ड ऑपरेशन, ऐड रिकॉर्ड, ऐड न्यू रिकॉर्ड। तो यहाँ पे लिखिए ऐड PREORD रिकॉर्ड या ऐड बुक। फिर ये दूसरे में आइए, यहाँ क्लिक कीजिए, ओके कीजिए और यहाँ लिखिए रिकॉर्ड ऑपरेशन में डिलीट। नेक्स्ट क्लिक यहाँ, डिलीट रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड कर या डिलीट बुक। नेक्स्ट कीजिए, फिनिश कर, फिर एक ले लीजिए, ओके। ये आपकी कंप्यूटर में ये ओके नहीं आएगा, डायरेक्ट ये आएगा, तो हम रिकॉर्ड में आते हैं और अच्छा फॉर्म ऑपरेशन में आते हैं, फॉर्म ऑपरेशंस में, और हम क्लोज करते हैं, ओके। तो हम नेक्स्ट करेंगे और यहाँ क्लोज लो, क्लोज नेक्स्ट फिनिश। तो इन लोग आप मेरा बटन हो गया, तो थोड़ा थोड़ा इनको सिमेट्री कर देते हैं प्रॉपर तरीके से, ताकि आपको ये देखने में अच्छा लगे। तो ऑलमोस्ट ये एक प्रॉपर उसमें आ गए हैं, लेकिन हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम इसके साथ लगा देते हैं या एक लाइन के ऊपर। ये देखो ये थोड़ा, अगर आप इनको क्लिक करके नीचे की तरफ लगा देते हो तो सिमेट्री बहुत अच्छा बन जाता है, आपको लगेगा नहीं ये एक होम मेड सॉफ्टवेयर है, ऐसा महसूस होगा कि ये। और आप क्लोज भी कर सकते हो, आप एक दूसरे से क्लोज कर सकते हो, तो ऐसे जैसे ये कर दिया हमने, ये कर दिया, तो वही बटन काम करना चाहिए, तो कोई शक नहीं है। ये कर दे, अब आप क्लोज कर दीजिए। तो बुक टेबल बन चुका है, अब आप क्लिक कीजिए बुक टेबल के ऊपर, ये है आपका टेबल है मैडम, आप इसको क्लोज करें तो ये क्लोज हो जाए, ये बुक टेबल आया है, ठीक है जी। आप इन लोगों की फॉन्ट भी बढ़ा सकते हो, अब आप देखें ऑथर कंट्रोल, तो ऑथर कंट्रोल में हम क्या करेंगे, ऑथर की नाम डाल देंगे, इसको थोड़ा बड़ा कर दो जी। इनका भी आप छोटा छोटा फॉर्म बना सकते हैं, छोटा छोटा फॉर्म बना सकते हैं, तो आप बार बार डेटा, हालांकि बाहर से भी कर सकते हैं, जैसे रविंद्र कुमार भट्टाचार्य और सवाल मंजूकांत
शांतनु गांगुली। हार के हार विकास और कौन क्लास लेते हैं? लूसी मैडम और आप लोग क्या मान के चलिए ये लिस्ट है। मैं इस टीचर के नाम तो भूल नहीं रहा हूँ, बाद में वो वीडियो देखेंगे कहेंगे सर मेरा नाम नहीं लिख रहा। नरेंद्र 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 कुमार विनोद सर विनोद विनोद यस विनोद कुमार। ये ज्यादा पास में है तो विनोद मेरा चेहरे से दिखाई नहीं देता, ज्यादा स्नेह करता हूँ इसी लिए। सत्येंद्र सत्येंद्र सर कुमार है, ये लोग है हमारा ऑथर। और हाँ अनुराधा गुप्ता गुप्ता मैडम, अमिय दास जो आपके स्टडी सेंटर की कर्णधार है, तो सब कुछ इनके हाथ में होते हैं, मैं तो निश्चिंत रहता हूँ। अर्पिता मैडम ये सारे लोग हैं आपके ऑथर, तो आपने डाल दिया सेव करके चले जाओ। फिर आते हैं कॉल नंबर, मान के चलो लाइब्रेरी साइंस आपने यहाँ 020 लिखा। फिर आते हैं साइंस, आपने 500 लिखा। यहाँ पे मैथमेटिक्स आपने 510 लिखा। आपने स्टैटिस्टिक्स आपने 519 लिखा। फिर बायोलॉजी BIOLOGY बायोलॉजी 570। बॉटनी बॉटनी 581। फिर रिलीजियन 200। बाद हिस्ट्री लिटरेचर सर 800 800। हिंदी लिटरेचर लिटरेचर का क्या है पता है आप लोगों को? 894 नहीं 891.43। और बंगाली लिटरेचर 891.44। ये हो गया आपका, सेव कर दीजिए। प्राइस कौन प्लेस कंट्रोल दिल्ली बॉम्बे मुंबई कोलकाता चेन्नई नोएडा गाजियाबाद ग्वालियर जबलपुर प्लेस डाल दिए। ठीक है फिर पब्लिशर कंट्रोल यहाँ लिखिए आप ऑक्सफोर्ड प्लेस, बीच के बढ़ा दी
कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आते हैं हम यहाँ, खास परमिशन है नरोसा पब्लिकेशन। मैग्रा मैग्रो हिल। हो गया, यही सफिशियंट है, सेव कर देते हैं। सीरीज कॉन्ट्रोल या लेक्चर सीरीज, मान के चलो दिल्ली यूनिवर्सिटी लेक्चर सीरीज, इग्नू सीरीज। कभी कभी फॉर्म सीरीज करके, SCHOUL, ये स्पेलिंग में गलत लिख रहा हूँ, तो फॉर्म सीरीज करके एक बहुत सीरीज आता है। क्या ये सफिशियंट है दोनों? यस। फिर सब्जेक्ट कंट्रोल, सब्जेक्ट हेडिंग, एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, टाइप की क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग, बाद टाइप रेडी ऑपरेशन, और उसके बाद टाइप रेडी बिल्डिंग, लाइब्रेरी बाद एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, लिटरेचर, रिलीजियन, हिस्ट्री, तो हमने ऑथोरिटी कंट्रोल समाप्त कर दिया। अब आप सर बुक टेबल में जाइए, मुझे ऐड रिकॉर्ड ऐड बुक करना है। एक्सेशन नंबर आपने 1 लिए, बुक टाइटल लिए लाइब्रेरी, क्लासिफिकेशन, और मुझे यहाँ शैलेंद्र कुमार से यह आ गया। तो आपको दोबारा टाइप करने की जरूरत नहीं है, या इस जगह पेस्ट करोगे, पेस्ट दबाओ, और सॉरी जैसे आप लोग करते हो नॉर्मली पेस्ट करो, तो तीनों जना यहाँ आ रहे हैं। यहाँ पे आप एडिटर में हमने देखो वहां पे ज्यादा वो कर दिए थे ना, माने आप मान के चलो यहाँ एक्सेस नंबर नहीं दिए, डिलीट मारो तो आगे नहीं जाएगा। क्या कह रहा है? यू मस्ट एंटर ए वैल्यू इन द बुक टेबल एक्सेशन नंबर फील्ड, तभी आगे जा रहा, इसमें से वैल्यू डालना जरूरी। एडिटर में हमने क्या किया था, 255 कैरेक्टर की स्पेस ही ले चुके थे, इस वजह से इतनी लंबी होगी, इतनी लंबी होना नहीं चाहिए था। पब्लिशर्स में कैम्ब्रिज को ले लो, प्लेस में चेन्नई को ले लो, यही डबल ही होगा ना। चलो कोई बात नहीं,
ईयर ऑफ पब्लिकेशंस में 2019 सीरीज में हम दिल्ली यूनिवर्सिटी लेक्चर सीरीज सीरीज एडिटर में भी हमने कम नहीं किया। इस वजह से ये जो ज्यादा जगह खाए हैं ये आपकी डेटाबेस हार्ड डिस्क स्पेस में इतनी जगह ऑक्यूपाइड करके रखे। इस वजह से डेटाबेस वगैरह जब बनाते हैं डिजाइन करते हैं तो स्पेस एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फिर आते हैं कॉल नंबर। कॉल नंबर में 0 to 0 सब्जेक्ट में हम लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन ले लेते हैं, सीरीज नंबर 2 कर देते हैं, प्राइस 12 रुपये आ गए। 12 रुपये देखो कितना बढ़िया हमारा रुपीज की साइन आ गया, प्राइस भी नंबर। ये हो गया आपका। अब आप एड बुक करोगे। ओके नेक्स्ट क्या कह रहा है, यू मे हैव इंटर्ड टेक्स्ट इन न्यूमेरिक नंबर इन द लिस्ट ऑफ इंटरव्यू। ओके ऐसा किया है, ये ज्यादा कर दिया तो आ गया। फिर आप प्रीवियस रिकॉर्ड देखोगे तो ये है कि ठीक, ये नेक्स्ट रिकॉर्ड, ये प्रीवियस रिकॉर्ड आप सर्च करना चाहते हैं। अब नेक्स्ट रिकॉर्ड हम ऐड बुक करोगे तो न्यू आ जाएगा। फिर दूसरा डालते हैं, बुक टाइटल लिखते हैं कि हिंदू फिलोसॉफी बाय ऑथर होंगे सतेंद्र कुमार, एडिशन एडिटर मैं, तो उनका नाम लिख दो जी, ब्रजेश। पब्लिशर्स है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, प्लेस ऑफ कोर्स डॉक्टर दिल्ली से करेंगे। 2019 सीरीज कुछ नहीं, सीरीज इग्नू लेक्चर सीरीज, सीरीज एडिटर कोई नहीं है। कॉल नंबर 200 रिलीजियन, कॉल नंबर में थोड़ा सा आप लोगों को देखना पड़ेगा। हम जब भी कॉल नंबर डाले तो इस तरीके से रिलेशन कर सकते हैं हम, सतेंद्र कुमार का तीन कुमार का KUM भी इसमें ऐड हो जाए, ये भी पॉसिबल। फिर हम सब्जेक्ट में रिलीजियन को क्लिक करें, प्राइस में 200 रुपये कर देते हैं दाम, और ISBN नंबर में ये आपका ऐड रिकॉर्ड करोगे तो नेक्स्ट आ। अब मान के चलो आपका ये है, फिर आप कोई पर्टिकुलर बुक फाइंड करना चाहते हैं तो आप बुक टाइटल के ऊपर क्लिक कीजिए, फाइंड रिकॉर्ड कीजिए, और ये आ जाएगा आपकी भीतर जो फाइंड करके देगा। तो आप क्या फाइंड करना चाहते हैं, करेंट फील्ड व्हाट, तो होल फील्ड ना देखे एनी पार्ट ऑफ द फील्ड दीजिए, और यहाँ देखिए लाइब्रेरी लिखिए और नेक्स्ट। आपके यहाँ हजारों किताब लाखों किताब भी हो फिर भी ये सर्च करते रहे। इस तरीके से ये आपकी एक बुक एंट्री हो। कोई कन्फ्यूजन, आप अगर डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट कर सकते हो, फाइंड प्रीवियस ये आप लोगों ने देख लिया, क्लोज करना चाहते हो तो क्लोज कर लीजिए, दोबारा खोलिए, फिर नेक्स्ट रिकॉर्ड में जाइए। ये इस तरीके से एक बुक रिकॉर्ड बन सकता है। अब हम मेंबरशिप बना टेबल डिजाइन में सीधे आप जाते हैं, आप लोग समझ चुके हैं किस तरीके से डिजाइन बना है, आइदर टेबल में करें या टेबल डिजाइन में, सीधे टेबल डिजाइन में आए। मेंबर आईडी, यहां करें आप नंबर, अल्फा न्यूमरिक भी दे सकते हैं, और ये इंडेक्स तो होगा ही होगा, नो डुप्लीकेट, क्योंकि ये हमारा प्राइमरी की होना है, रिक्वायर्ड कर दे, यस विदाउट ये आप जाने। हमने एक काम जो नहीं किया वो आप लोगों को बताएंगे, इसको अच्छा इसको करते हैं, कैंसिल करते हैं इसको, चलो नेम नेम ऑफ द मेंबर,
फिक्स 100 रुपीज, ज्यादा ना दे। इंडेक्स, यस, डुप्लीकेट, ओके। फिर फादर नेम, यहाँ टैक्स ले लीजिए, 100 कीजिए। इंडेक्स, यस, ओके। डुप्लीकेट, एड्रेस, यहाँ पे आप थोड़ा ज्यादा ले लीजिएगा, एड्रेस में 150 ले लीजिए। फिर प्लेस, फिक्स रखिए, 50 ले लीजिएगा। और एक मिनट, प्लेस को आप लुकअप विजार्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी प्लेस बना है आपका। तो आप नेक्स्ट जाइए, यहाँ पे प्लेस कंट्रोल, नेक्स्ट कीजिए, फिर प्लेस का नाम ले लीजिए, नेक्स्ट कीजिए, इनको इंडेक्स नेम ऑफ द प्लेस, नेक्स्ट, नेक्स्ट, फिनिश, ओके। अब क्या होगा? ओके, नो, आई विल डू इट। बुक टेबल बना दिया, उनका एक कॉपी बना दिया हमने, कोई बात, एक मिनट, इसको ऐसा नहीं बनना था। डिजाइन व्यू में जाएंगे, इसका नाम हम चेंज करते हैं, यस यस करना मेरा ठीक नहीं था। प्लेस, फिर फोन नंबर, नंबर, फोन नंबर में आप नंबर दे दीजिए और मेंबरशिप डेट, मेंबरशिप डेट, MEM, मेंबरशिप डेट में हम यहाँ डेट डाल देते हैं और डेट में फॉर्मेट डाल देते हैं, फॉर्मेट डाल देते हैं ये, और यहाँ पे एक्सपायरी डेट देते हैं, मेंबरशिप एक्सपायरी डेट। डेट एंड टाइम और फॉर्मेट यहां से हम चूज करते हैं, स्मॉल डेट या मीडियम साइज। देन डिपार्टमेंट, ये इंपॉर्टेंट, इसके लिए आपको एक लुकअप विजार्ड बनाना है, ताकि वो बार बार वहीं से आप क्लिक करोगे, लिखने की जरूरत नहीं। इस वजह से हम यहां जाएंगे, क्रिएट में, टेबल में जाएंगे और यहां लिखेंगे, इस टेबल का नाम देंगे टेबल टू या सब्जेक्ट, ये मान के चलो डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी या बायोलॉजी, देन एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स, बायोमेडिकल साइंस, बायोमेडिकल साइंस के बाद BBA, मैथमेटिक्स, ये सारे हमने डाल दिए और इनको सेव करने के लिए, यस, इस टेबल का हम नाम देते हैं डिपार्टमेंट, कंट्रोल, कंट्रोल से आप लोगों को पता लगेगा ये ऑथोरिटी टेबल है। अब हम क्या करेंगे, इस टेबल को ना मुझे बाद में नाम चेंज करता हूँ, लेकिन नाम चेंज करते ही उधर गड़बड़ होगा, ये गड़बड़ हो गया, कोई नहीं, हम इसको देखते हैं। लुकअप विजार्ड कीजिए, नेक्स्ट कीजिए,
और यहाँ डिपार्टमेंटल कंट्रोल को ले लीजिए, इस फील्ड को नहीं, हम फील्ड वन को लेंगे नेक्स्ट, और फील्ड वन को हम असेंडिंग ऑर्डर को लेंगे और नेक्स्ट करेंगे और फिनिश करेंगे। तो ये हो गया आपका, और ये फोटोग्राफ, फोटो ऑफ मेंबर। आप यहां से वो एल ई ऑब्जेक्ट लेना है, वो एल ई ऑब्जेक्ट, राइट, तभी वो कैप्शंस, फोटो आईडी रिक्वायर्ड नो, जनरल टेक्स्ट लाइन में आपको राइट क्लिक या सेंटर या राइट में कर दीजिए और इसको सेव कर दीजिए। तो सेव हो गया। इस नेम का अगर हम नेम चेंज करें, रिनेम करें, तो थोड़ा सा मुश्किल है। कोशिश करते हैं इनका नाम हम दे देते हैं मेंबर ट्रिप। हो गया, ये हो गया मेंबर ट्रिप। अब आते हैं तो मेंबर टेबल का हम वो कर लेते हैं, फॉर्म बना लेते हैं। तो हम क्रिएट में जाएंगे और फॉर्म विजार्ड में आएंगे, ये इजी है, अच्छा है। यहाँ मेंबर टेबल का सब कुछ लेंगे, सब डेटा एलिमेंट लेंगे, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, इन्हें बैक करो। यहाँ पे आप, यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं आ रहा है, खैर हम चेंज कर सकते हैं, नेक्स्ट कीजिए और फिनिश कीजिए। तो आपका ये आ गया, इनको हमने बोला था यहाँ आने के लिए लेकिन आया नहीं। अब हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, डिजाइन व्यू में जाएंगे और इनको थोड़ा सा खिसकाएंगे और इनको हम यहाँ लाएंगे मेंबर्स को, तो एक ही उसमें हो जाए। अब हम इनको जैसे हम पिछली बार इनको थोड़ा नीचे की तरफ खिसक देंगे, इनको थोड़ा सा छोटा कर देंगे और मेंबरशिप फॉर्म, मेंबर फॉर्म। पीडीएफ बना लिए, वेरी गुड, भेज दिए क्या, वेरी गुड। अच्छा, इनको हम कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, फॉन्ट फोर कलर, यहाँ से आप चूज करें और इनको बिल्कुल ब्लैक में ले लीजिए यार, यहाँ फॉन्ट नेम, यहाँ से हम एरियल को मिलते हैं जो भी इनकी आ रहा है, और इनका ना लेआउट थोड़ा सा चेंज करते हैं, अच्छा देखने लग रहा है। तो हम उसमें क्या करेंगे, यहीं पे हम क्लिक करते हैं, बैक कलर को हम, बैकग्राउंड कलर को हम ये कर, और सारे जो वो है इकट्ठे हम या कंट्रोल पकड़ के हम यहाँ आएंगे फॉन्ट कलर में, फोर फोर कलर में, और यहाँ क्लिक करेंगे और इनको व्हाइट कर देंगे, ये थोड़ा सा देखने में अच्छा। और इन लोगों का फॉन्ट साइज भी हम चेंज कर सकते हैं, और एक बार करके देखते हैं, सिलेक्ट कर लिए और धीरे धीरे इनकी जो फॉन्ट नेम है वो चेंज, कैलिबर मुझे पसंद नहीं है, तो हम टाइम से 11 मंथ अच्छा लगता है, तो हम थोड़ा यहाँ से एसटी टाइम से इनको ले, और थोड़ा बोल्ड भी कर सकते हैं यहाँ पे जो नॉर्मल फॉन्ट वेट आप या बोल्ड कर सकते हैं, ये बोल्ड हो। अब आप यहाँ आएंगे और यहाँ से आपकी बटन स्टार्ट होगी,
पहला बटन होगा, ओके, गो टू पास्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट पास्ट रिकॉर्ड। फर्स्ट फिनिश, उसके बाद ओके गो टू लास्ट रिकॉर्ड, रिकॉर्ड रिकॉर्ड लास्ट फिनिश। फिर यहां से वो करें, ओके नेक्स्ट रिकॉर्ड, रिकॉर्ड फिर ये करें, ओके प्रीवियस रिकॉर्ड, नेक्स्ट और यहां पे देते हैं फाइनल रिकॉर्ड। फाइनल ओनली फाइन, और देते हैं ऐड रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड ऑपरेशन ऐड दिस रिकॉर्ड बेस्ड ऐड रिकॉर्ड, यहां पे देते हैं रिकॉर्ड ऑपरेशन डिलीट रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड। फिर हम यहां करते हैं क्लोज रिकॉर्ड, तो फॉर्म ऑपरेशन में जाएंगे और क्लोज, यहां लिखिए क्लोज। ये आप ये सारे राइट फिक्स्ड की जगह आपको पिक्टोरियल फॉर्म भी दे सकते हैं, लेकिन राइट भी थोड़ा सा अच्छा लगता है, इन लोगों को थोड़ा सा हम अच्छा बना देते हैं। आप इन लोगों का कलर भी चेंज कर सकते हो, आप यहां पे आओ बैक कलर, नो या सबको आप इकट्ठे चूज करो कंट्रोल की से, पहले हमें एक एक करके करना पड़ता था। ओहो ये कलर ठीक नहीं है, हम ये कर, और इनको हम मिडिल में लाए थे या मेंबर डेटा शीट या मेंबर फॉर्म, आप इनको आप क्लोज कर दीजिए मैडम, देखें हाउ इज दैट, दिस इज योर मेंबर टेबल। अब आते हैं बेटे बुक टेबल, ट्रांजैक्शन टेबल, बुक टेबल हो गया, मेंबर टेबल हो गया, अब आते हैं ट्रांजैक्शन लोन टेबल। तो क्रिएट इधर डिजाइन व्यू में जाइए, यहां पे लिखें, किसी का आवाज आ रहा है बेटे, यहां आओ, यहां आके आप एक्सेशन नंबर, आपने नंबर दिए थे बेटे बुक बुक फॉर्म में, है ना, बुक टेबल में, तो नंबर ही रखना। फिर मेंबर आईडी, बेटे आप लोगों ने नंबर दिए तो
आप नंबर रखो, फिर डेट ऑफ ISSEV इशू अब बुक, ठीक है, यहां से डेट टाइम क्लिक करोगे और यहां आके फॉर्मेट में आप देख लो इसको सीरियस, फॉर्मेट में आके आप यहां लॉन्ग डेट को चूज करोगे। यहां जब आते हो बेटे, हमने लॉन्ग डेट या शॉर्ट डेट रख लिए, आप इनपुट मार्क्स में कुछ नहीं देना है, कैप्शन में देना है, डिफॉल्ट वैल्यू में देना है इज इक्वल टू DATE और सर्कुलर ब्रैकेट। ये देते ही जो करंट डेट है, आज का डेट है, वो ऑटोमेटिकली लेता रहेगा, ठीक। फिर डेट रिटर्न, यहां पे फिर हम डेट टाइम लेंगे, फॉर्मेट से हम ये लॉन्ग डेट ले लेते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन डिफॉल्ट वैल्यू में क्या करेंगे, इज इक्वल टू डेट सर्कुलर ब्रैकेट, कितने दिन के लिए बुक इशू कर रहे हो, प्लस प्लस उतना दिन, माने 7 डेज के लिए है तो 7 डेज, 5 डेज के लिए तो 5 डेज, ऑटोमेटिकली वो डेट दिखाएगा, ठीक। ये मैंने 7 डेज के लिए किया, आपका काम खत्म। यस, इसका नाम देते हैं लोन टेबल, प्राइमरी की नहीं देनी। अब आते हैं, हमने जो गलती किया वो बुक टेबल, फिर हम डिजाइन में जाते हैं, हमने एक्सेशन नंबर को यूनिक की माना, तो हम एक्सेशन नंबर को पकड़ के इनको प्राइमरी की देना ही देना है, प्राइमरी की असाइन करो, क्योंकि एक्सेशन नंबर इज अ की नंबर, जस्ट एंड सेव इट। फिर मेंबर मेंबर टेबल में पहुंचो, बट दिस इज मेंबर टेबल, गो टू डिजाइन व्यू एंड इनको सिलेक्ट करो और इनको प्राइमरी की बोलो, क्योंकि आईडी मेंबर आईडी इज अ यूनिक नंबर, सो दैट्स व्हाई दे आर प्राइमरी। नाउ हमने लोन टेबल भी बना दी, तो चलो लोन टेबल का हमने एक बनाते हैं फॉर्म, तो हम उसको सिलेक्ट करें और क्रिएट में जाए, फॉर्म विजार्ड में जाए, सबको ले लिए, नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए, आप टेबुलर फॉर्म में भी ले सकते थे, ये आप इनको डिजाइन कर सकते हो जैसे हमने डिजाइन किया। अब इसको फिलहाल बंद कर देते हैं, या तो 2-3 कीज डाल ही देते हैं इसके ऊपर, ये आपके ऊपर है। ओके, एड, पहले रिकॉर्ड ऑपरेशन में जाते हैं, एड डेट, यहां पे लिखो इशू न्यू बुक, रिटर्न के लिए कल बताएं, और यहां देते हैं फॉर्म ऑपरेशन में क्लोज फॉर्म, फॉर्म ऑपरेशन क्लोज फॉर्म, क्लोज फॉर्म, ये हो गया आपका लोन टेबल बेटे। इसका हुलिया हम चेंज कर सकते हैं, इसके अपियरेंस हम चेंज कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, जैसे हमने बुक और मेंबर टेबल क्लोज कर, क्लोज कर, ये हो गया आपका काम। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है, मैं शुरू दिन में आप लोगों को थियरी में भी कभी बार बताया है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट। अब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट किसको कहते हैं, देखिए डेटाबेस टूल्स में जाइए और यहां आप एड टेबल कहिए, रिलेशनशिप दिखाई, रिलेशनशिप नहीं है, शो टेबल, आप बुक टेबल, लोन टेबल और
आपका मेंबर टेबल नंबर मेंबर क्लोज कर दीजिए। बेटे यहां एक्सेशन नंबर है प्राइमरी की और यहां है फॉरेन की, तो जो दिस इज प्राइमरी की दिस इज फॉरेन की, इस टेबल का कोई प्राइमरी की नहीं है, तो इट्स अ ट्रांजैक्शन टेबल एंड दिस इज अ बेसिक टेबल। जब एक्सेशन नंबर हम कनेक्ट करते हैं तो वन टू मेनी रिलेशंस हो, राइट। यहाँ एक्सेशन नंबर यहाँ आपको ज्वाइंट टाइप को रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इसी को कहते हैं, इसको वन टू वन करना है, नहीं तो एक बुक 10 बार इशू हो जाएगा। तो आपको वन टू वन रिलेशंस करना है, ये आपको यहीं से करना है। ओनली इंक्लूड रो दैट ज्वाइन द फील्ड ना, वन टू मेनी होगा नहीं, इसको हम मानेंगे नहीं। क्रिएट न्यू राइट टू डिफरेंशियल इंटीग्रिटी में हम किसका डिफरेंशियल इंटीग्रिटी किसका वन टू मेनी ना, वन टू मेनी नहीं करेंगे हम, क्योंकि मैं ज्वाइंट टाइप में लिखेंगे इंक्लूड द रो ज्वाइंट ऑन रिकॉर्ड बुक टेबल और फ्रॉम लोन ज्वाइंट इंक्लूड रिकॉर्ड फ्रॉम लोन इसको कर दे वन टू मेनी आ रहा है, वन टू मेनी आ रहा है, वन टू मेनी आ रहा है, इसको हम दोबारा देखेंगे। लेकिन ये वन टू वन रिलेशन करोगे तभी यूनिफॉर्मिटी बन जाए। फिलहाल मान लेते हैं क्रिएट कर देते हैं, तो रिलेशन क्रिएट हो गया। फिर एक्सेशन आईडी नंबर और मेंबर आईडी नंबर, यहाँ ज्यादा हो सकता है, एक मेंबर आईडी एक मेंबर कई सारे बुक्स ले सकते हैं, तो यहाँ वन टू मेनी हो सकता है, लेकिन ये वन टू वन हो सकता है होगा, राइट। तो क्रिएट रिलेशन, ये ठीक आ रहा है, क्रिएट रिलेशन हो गया। इसी को कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम व्हेन टेबल्स आर रिलेटेड, ये हो गया आपका रिलेशन, सेव कर लिए। अब आप देखिए लोन में मैंने एक वाला एक्सेशन नंबर और मेंबरशिप डाले थे क्या ना, मेंबरशिप मान के चलो 22 21 मनोज कुमार अदर नेम एड्रेस मिर्जा मुंबई कर देता हूँ, फोन नंबर कुछ भी डाल देता हूँ, मेंबरशिप डेट आज का ले लो जी, एक्सपायरी डेट यहाँ से आप 2021 ले लीजिएगा जी, 2021 मई तक कर देता हूँ मुझे, सैटरडे डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से फोटो है तो फोटो डाल दीजिए, हो गया। फिर ऐड रिकॉर्ड चले गया, क्लोज कर दीजिए। यहाँ हमने एक एक्सेशन नंबर 21 मनोज को डाल दिया और न्यू बुक करके क्लोज कर दिया। अब हमें देखना है कि कौन सी बुक किसके पास है, इसके लिए हमें कल करेंगे हम क्वेरी, क्वेरी रिपोर्ट माइक्रोस ये सब इस्तेमाल करेंगे, अभी तक यही खत्म करते हैं। तो आपका बुक टेबल बन गया, लोन टेबल बन गया और मेंबर टेबल बन गया।